तो कैसे हो मेरे भाई, मेरा नाम है प्रकाश और आपका स्वागत है फिल्म फैंस के एक और नए एपिसोड में। तो आज मैं इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड सीजन 2 का। अगर आपने नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड सीजन 1 नहीं देखा तो आप इसको जी के ऑफिशियल OTT पर देख सकते हैं। कुछ दिनों पहले इसका सीजन 2 भी जी पर रिलीज कर दिया गया है। और सीजन 1 में हमने देखा था कि सुमेर और तानी एक दूसरे के करीब होते हुए भी अपने प्यार को नहीं पहचान पाते हैं, और कहीं ना कहीं वह एक दूसरे से प्यार करते थे पर वो उनसे अनजान थे और वो कहीं अपना प्यार दूर किसी और में ढूंढ रहे थे। तो सीजन 1 के लास्ट में हमने देखा कि ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे को प्यार का इजहार कर देते हैं और इनमें सब कुछ ठीक हो जाता है। वहीं सीजन 2 की शुरुआत होती है, सुमेर और तानी का ब्रेकअप हो चुका है ऐसा हमें दिखाया गया है, और वो क्यों हुआ कैसे हुआ उसके लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। लेकिन कहानी आगे बढ़ती है और ये दोनों फिर एक दूसरे के करीब आते हैं। एक जो कि सक्सेसफुल राइटर है वही सुमेर जो कि डायरेक्टर है, और ये दोनों मिलते हैं, इनको एक कंपनी हायर करती है जिनको वेब सीरीज बनाना है, और ये एक दूसरे के करीब आते हैं ना चाहते हुए भी इनको एक दूसरे के साथ काम करना पड़ता है। और बात करें दूसरे सीजन की तो इसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि ये लोग अलग क्यों हुए, क्या वजह थी, इसी को ही अब फोकस करती है। साथ ही साथ इसमें कुछ नए कलाकार की भी एंट्री हुई है जिसमें करण भाई हैं जो कि एक मशहूर फिल्म स्टार करण खन्ना के रोल कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें आपको लव ट्रायंगल वाला एंगल भी देखने को मिलेगा। तानी और सुमेर के बीच क्या सारा चीज ठीक हो पाएगा, क्या वो दोनों मिल पाएंगे, इन्हीं कुछ सवालों के साथ यह सीरीज चलती है। और लास्ट का क्लाइमेक्स कमाल का है, वो इस सीरीज को देखिएगा तो आपको जरूर मजा आएगा और आप जरूर सरप्राइज होइएगा मेरी तरह। क्लाइमेक्स सच में आपको इमोशनल करता है। तो ओवरऑल बात करें नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड सीजन 2 की तो यह एक ठीक ठाक देखने लायक सीरीज है। वैसे भी मुझे टीनेज रोमांटिक सीरीज काफी पसंद है और खासकर लव ट्रायंगल और इस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न के साथ, और यह सीरीज भी उसी तरह का। सीजन 1 से अगर इसकी तुलना करें तो जिस तरह से सीजन 1 में बोल्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था उतना इसमें नहीं है। 1 की अपेक्षा शुरुआत से उतना एंगेजिंग नहीं है, बस 2-3 एपिसोड निकल जाते हैं उसके बाद यह कहानी में पकड़ बनाती है। और आप जैसे जैसे इसको देखते जाते हैं सुमेर और तानी की जब मुलाकात होती है तो वहाँ से यह स्टोरी आगे बढ़ती है और वहाँ से पकड़ मजबूत होती जाती है और आप इसके साथ बने हुए रहते हैं। अगर आपको रोमांटिक सीरीज पसंद है तो आप इस सीरीज को मिस नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इसका पहले सीजन देखा है और अगर आपको यह पसंद आया है तो तब पर भी आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। इस सीरीज में सारे कलाकारों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। जावेद जाफरी भी इसमें सपोर्टिंग भूमिका में है, उनका रोल भी अच्छा है, वो भी कहानी में अपना योगदान देते हैं, उनका रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी लव स्टोरी को भी इसमें दिखाया गया है। रही बात नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड सीजन 2 के रेटिंग देने की तो मैं इसको 7.5 की रेटिंग देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, पहली बार यह वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यार, इस तरह की मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले किसी और रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।